जय बाबा बर्फानी जी, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी जी। बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय। आज जो मैं बात करना चाहूँगा, श्री अमरनाथ जी यात्रा 2020 की जो यात्रा की डेट्स हैं वो कई बार बढ़ चुकी हैं, और जो भी श्राइन बोर्ड इसको करवाती है, यात्रा को ऑर्गेनाइज करवाती है या पूरी प्लानिंग होती है, उसमें 31 मई के बाद श्राइन बोर्ड ने कुछ भी अपडेट नहीं किया है। तो मेरी रिक्वेस्ट है श्राइन बोर्ड से, भारत सरकार से और सभी उन मतलब डिपार्टमेंट से जो श्री अमरनाथ जी यात्रा को करवाने में सहयोग करते हैं, तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हाथ जोड़ के, प्लीज़ यात्रा तो होनी है, ये कन्फर्म हो गया है, क्योंकि रास्ते की भी वीडियो आ रही हैं और आपने जो मीटिंग हुई है वो न्यूज़ चैनल में भी बताया गया है और सब बताया जा रहा है, और आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं बताया है जब भी न्यूज़पेपर में आया है, तो यात्रा तो होनी है, ये कन्फर्म है। अब वो पैदल होनी है, हेलीकॉप्टर से होनी है, वो अभी तक किसी को कन्फर्म नहीं है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, काफ़ी सारे भक्त परेशान हो रहे हैं क्योंकि सबको मालूम है, सब लोगों ने बड़ी दूर दूर से आना है, तो ऑफिस में छुट्टी की प्लानिंग करनी पड़ेगी, कब जाना है, टिकट की प्लानिंग करनी पड़ेगी, पैसे की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी, सामान की भी, और यात्रा में आप लगा लीजिए मुश्किल से जो न्यूज़ मिली है कि 21 जुलाई से यात्रा स्टार्ट होगी, तो मुश्किल से अभी 20 दिन रह गए हैं, 20-25 दिन रह गए हैं, ये महीना भी ख़त्म होने जा रहा है। तो मेरी श्राइन बोर्ड से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप जो भी आपको ये डेट्स पे अपडेट देना है जल्द से जल्द दें, क्योंकि मुझे मालूम है कि श्राइन बोर्ड तक हमारी बात ज़रूर पहुँचती है, पहले भी हमने 2-3 मुद्दों पर बात की थी तो श्राइन बोर्ड ने उस पर फटाफट काम किया और अपडेट्स आए। तो उम्मीद है कि हम ये बात श्राइन बोर्ड तक पहुँचाएँ, तो सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि ये बात श्राइन बोर्ड तक पहुँचे और जो भक्तों की परेशानी है वो श्राइन बोर्ड तक पहुँच पाए और श्राइन बोर्ड समझे कि कितनी परेशानी से इस टाइम भक्त लोग अपना देख रहे हैं, क्योंकि बड़ा मुश्किल है कि बहुत कम समय में तैयारी करना, ऑफिस की छुट्टी का लेना, प्लानिंग करना, कितनी दूर से आना है, ट्रेन का टिकट बनवाना, बस का टिकट देखना, ये सब सबके लिए मुश्किल है। तो प्लीज़ बहुत कम टाइम रह गया है, आपसे रिक्वेस्ट है आप बताएं कि यात्रा कब शुरू होगी और कैसे मेडिकल होंगे, कैसे रजिस्ट्रेशन होंगे, क्या प्लानिंग होगी, पूरा प्रोसीजर बता दें, क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया है। और काफ़ी सारे भक्तों के सवाल आ रहे हैं, को फ़ोन आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं कि यात्रा को लेके क्या है। तो देखिए, यात्रा का हमारे अपने हाथ में कुछ भी नहीं है, यात्रा का मेन जो होता है श्राइन बोर्ड के ऊपर होता है, श्राइन बोर्ड ही इसको यात्रा को करवाने के लिए जो प्लानिंग होती है, जो भी व्यवस्थाएँ होती हैं श्राइन बोर्ड ही करता है। तो श्राइन बोर्ड तक ये बात हमें पहुँचानी पड़ेगी, क्योंकि मैंने भी 2-3 बारी कॉल किया तो उन्होंने कहा कि हमारे टॉप मैनेजमेंट इसका डिसीजन लेगी। अब टॉप मैनेजमेंट का नंबर तो मिलना मुश्किल होता है, मैंने मेल भी की 2-3 बारी कि प्लीज़ आप बताएं कि यात्रा कब से होगी, क्या क्या टर्म कंडीशन रहेंगी, एज लिमिट क्या रहेगी, क्योंकि ना इस बीच में एक महीने में कोई भी श्राइन बोर्ड से अपडेट नहीं हुआ, जिसकी वजह से लोगों में बहुत सारी चीज़ें कि कोरोना का टेस्ट कहाँ होगा, होगा या नहीं होगा, एज लिमिट की चीज़ें, ये सब न्यूज़ अलग अलग न्यूज़ चैनल वाले या अलग अलग यूट्यूब पे ये न्यूज़ आ रही थी, तो जिसकी वजह से लोग काफ़ी परेशान हो गए हैं कि पता नहीं हम जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, है ना। तो श्राइन बोर्ड जल्दी से कंफर्म करते हैं, उससे ये होगा कि जिन यात्रियों को जाना है या जो यात्री एज के हिसाब से जो भी टर्म एंड कंडीशन हैं उसके हिसाब से जाना चाहते हैं वो तो कम से कम अपनी प्लानिंग करें। तो मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है श्राइन बोर्ड से, भारत सरकार से और जो भी संस्थाएँ इसमें जुड़ी हुई हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएँ जो यात्रा की मतलब की कमेटी बनी हुई है, वो सब मेरी अगर इस वीडियो को सुन रहे हों तो प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द यात्रा की डेट्स और टर्म एंड कंडीशन जो भी होनी है, मेडिकल की, रजिस्ट्रेशन की, एज की, जो भी आपकी पूरी व्यवस्था हर साल होती है, प्लीज़ आप भक्तों तक पहुँचाएँ। और भोले बाबा से मेरा ये पूरा विश्वास है कि शायद ये जल्द से जल्द हो जाएगा, ताकि जो लोग परेशान हो रहे हैं उनकी परेशानी दूर हो जाए। तो इस टाइप का कोई भी अपडेट आएगा, मैं हर दिन में कम से कम 20-25 बार श्राइन बोर्ड की वेबसाइट चेक करता हूँ कि कोई भी अपडेट आएगा तो पता चलेगा। तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए, जैसे ही अपडेट आएगा मैं पूरा अपडेट पढ़ने के बाद और समझने के बाद आपको जल्द से जल्द वीडियो बना के शेयर करूँगा, ताकि जैसे भी हम लोगों ने तैयारी करनी है सब लोगों ने तैयारी कर सकें, उसमें कोई कन्फ्यूज़न होगी तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं और बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए हम तैयारी करें। तो जो भी आपके मन में कोई क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं, मुझे कॉल भी कर सकते हैं, तो इससे जुड़ी जो भी जानकारी होगी मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। जय बाबा बर्फानी जी, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी जी। जय बाबा बर्फानी जी, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी।